इस मूवी का स्टार्ट एक कॉन्फ्रेंस को दिखाते हुए होता है, जहाँ पर दो ब्यूटी एक्सपर्ट्स भी मौजूद होते हैं, जिनमें फीमेल का नाम लॉरेल था। वो लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स लाइक सोप क्रीम्स के बारे में बातें कर रहे थे कि हमने अपने न्यू क्रीम को कब लॉन्च करना है और मार्केट में उसे कब उतारना है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि प्रोडक्ट्स की जो एम्बेसडर होती है वो लॉरेल ही होती है। इसके बाद उस ब्रांड का एम्बेसडर किसी और लड़की को बना दिया गया और इवन ये डिसाइड होता है कि प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट के लिए लॉरेल की जगह उस लड़की की ही पिक्चर्स लगेंगी। इस बात की वजह से लॉरेल को काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो इस बात को ज्यादा फील नहीं होने देती क्योंकि उनकी एक क्रीम बहुत जल्द मार्केट में लॉन्च होने वाली थी। इसी वजह से वो कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है। फिर दूसरा ब्यूटी एक्सपर्ट जो कि कंपनी का ऑनर भी था, वो एक लड़की पेशेंस को अपने ऑफिस में बुलाकर उसे डांटता है और यही लड़की पेशेंस मूवी की मेन कैरेक्टर है। वो ब्यूटी एक्सपर्ट कहता है कि मैंने इस क्रीम को बनाने में काफी पैसे लगा दिए हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे इस वाले बॉक्स डिजाइन पर अपनी क्रीम को लॉन्च करूं, इसीलिए तुम्हारे पास कल 12 बजे का टाइम है, मुझे और अच्छे अच्छे न्यू डिजाइन बनाकर दिखाओ और अगर तुम ऐसा ना कर पाई तो बेशक तुम जॉब को स्किप कर सकती हो। तो इस डील के लिए पेशेंस एग्री हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे पेशेंस बॉक्स का अच्छा सा डिजाइन बनाने में बिजी होती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ती है और वो समझती है कि शायद ये बिल्ली यहाँ पर फंसी हुई है, इसीलिए वो उस बिल्ली को वहाँ से निकालने के लिए उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर जाती है, लेकिन इसी कोशिश में उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो एसी के सहारे दीवार से लटक कर खुद को बचाती है और अब वो उस जगह पर फंस चुकी थी। यहाँ पर वो डर जाती है क्योंकि वो लटकी हुई थी, लेकिन तभी एक डिटेक्टिव जिसका नाम टॉम होता है उसकी नजर पेशेंस पर पड़ जाती है। उसे देखकर वो समझ रहा होता है कि शायद वो सुसाइड करने वाली है और इसीलिए वो ऊपर जाकर पेशेंस को बचा लेता है, वो भी बिल्कुल सही सलामत, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते हैं। लेकिन तभी पेशेंस को सडन याद आ जाता है कि मेरे बॉस ने मुझे कोई काम दिया है करने को और इसी वजह से वो जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाती है, लेकिन जल्दबाजी की वजह से उसका पर्स गिर जाता है जिसे टॉम उठा लेता है और वो पेशेंस के पीछे पीछे ऑफिस चला जाता है। वहाँ जाकर वो पेशेंस से मिलता है, वो दोनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं और यहाँ पर उनकी दोस्ती हो जाती है। फिर वो दोनों डिनर का प्लान बनाते हैं और टॉम वहाँ से चला जाता है। पेशेंस काफी मेहनत करने के बाद फाइनली वो डिजाइन रेडी कर लेती है। फिर वो अपने बॉस के असिस्टेंट को कॉल करके उसे डिजाइन देने का कहती है, जिस पर असिस्टेंट कहता है कि आज तो वो लीव पर है, इसीलिए तुम खुद जाकर उस डिजाइन को दे आओ। फिर पेशेंस उस लोकेशन पर जाती है जहाँ पर ये क्रीम बनाई जा रही थी जिसे लॉन्च करना था। वहाँ पर एक साइंटिस्ट होता है जो इस क्रीम पर काम कर रहा था और इस क्रीम के कुछ सीक्रेट्स बताता है। वहीं पर वो ब्यूटी एक्सपर्ट लॉरेल भी थी। वो साइंटिस्ट लॉरेल को कहता है कि क्रीम अभी मुकम्मल तौर पर रेडी नहीं हुई, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, इसीलिए हम अभी इसको लॉन्च नहीं कर सकते क्योंकि इस क्रीम को यूज करने के बाद फेस खराब हो जाता है। ये कहते हुए वो लॉरेल को स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स दिखाता है कि इस क्रीम को लगाने के बाद यूजर्स को काफी बुरे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और मैं ऐसा नहीं चाहता कि लोगों के साथ कुछ ऐसा हो, क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट हूँ जो लोगों की हेल्प करता हूँ, ना कि उन्हें धोखा देता हूँ। सो इसीलिए अभी फिलहाल हम इसे लॉन्च नहीं कर सकते। और ये सारी बातें पेशेंस भी सुन लेती है, लेकिन तभी वो किसी चीज से टकरा जाती है और वो चीज वहाँ पर गिर जाती है। आवाज सुनकर वो दोनों समझ जाते हैं कि किसी ने हमारी बातें सुन ली हैं। तभी पेशेंस वहाँ से भागकर खुद को छुपाने के लिए एक टनल में छुप जाती है। लॉरेल ने यहाँ पर पेशेंस को देख लिया था और जब उसे पता चलता है कि पेशेंस उस टनल में है तो वो उसका मेन डोर बंद करवा के वहाँ पर पानी छुड़वा देती है और पानी में डूबने की वजह से पेशेंस की मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी एक रिवर में चली जाती है, जहाँ पर एक बिल्ली पेशेंस को किनारे पर लाती है और वहाँ रिवर के बाहर और भी बिल्लियाँ होती हैं। तभी एक बिल्ली पेशेंस की डेड बॉडी पर चढ़ जाती है और उसे लिक करती है और देखते ही देखते पेशेंस की आंखों का साइज चेंज होने लगता है और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि पेशेंस जिंदा हो जाती है दोबारा। अब सोचने में तो ये काफी अजीब बात है कि एक छोटी सी बिल्ली ने पेशेंस को दोबारा जिंदा कैसे कर दिया। मीनवाइल पेशेंस को फील होता है कि वो दूर की चीजों को काफी करीब से देख पा रही है और छोटी सी छोटी चीज को भी बड़ा देख पा रही है इजीली, लेकिन वो इन सारी बातों को इग्नोर करके अपने घर के लिए जाने लगती है क्योंकि 12 बजने से पहले उसने वो डिजाइन अपने बॉस को सबमिट करवाना था, लेकिन लेट होने की वजह से उसका बॉस उसे जॉब से निकाल देता है। अपनी जॉब को खोकर वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, लेकिन तभी उसे टॉम याद आ जाता है कि आज तो हमने डिनर पर जाना था जो कि उसने मिस कर दिया। इसीलिए पेशेंस एक कॉफी कैन पर सॉरी लेकर टॉम के पास जाती है, जहाँ वो मिलकर पहले कॉफी पीते हैं और बाद में बास्केटबॉल भी खेलते हैं। यहाँ पर पेशेंस फील करती है कि मैं पहले से ज्यादा एक्टिव और पावरफुल हो गई हूँ। फिर अगले दिन पेशेंस को अपने घर में वही कैट दिखाई देती है जिसको उसने बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं
रहने के। इसीलिए वो समझती है कि ये जो चेंजिंग्स मुझ में आई हैं, यानी जो पावर्स मुझे मिली हैं, शायद ये बिल्ली ही उसकी रीजन हो। इसीलिए उस बिल्ली के गले से उसका बेल्ट निकाल लेती है और एड्रेस के मुताबिक उस बिल्ली की ओनर से मिलने जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल बिल्ली नहीं है, बल्कि इस बिल्ली में ये पावर है कि वो किसी भी मरी हुई लड़की को जिंदा कर सकती है। तब पेशेंस को पता चलता है कि उस रात उसके मरने के बाद इस बिल्ली ने ही उसको जिंदा किया था। फिर बिल्ली की ओनर पेशेंस को एक मास्क देती है और उसे कहती है कि अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करो। इसके बाद पेशेंस अपने घर आ जाती है, तभी उसे उसकी फीमेल फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे अपनी और टॉम की सारी बातें बता देती है। फिर पेशेंस की फ्रेंड उसे एक ड्रेस गिफ्ट करती है जो कि कैट वुमेन का ड्रेस था। फिर उसी रात पेशेंस बाइक पर बैठकर टॉम से मिलने जाती है और वही ड्रेस वो पहनकर जाती है, यानी कैट वुमेन का ड्रेस जो उसकी फ्रेंड ने उसे गिफ्ट दिया था। लेकिन रास्ते में ही उसे कुछ चोर नजर आते हैं जो कि गोल्ड की शॉप को लूट रहे थे, जहां पर कैट वुमेन यानी पेशेंस उन्हें काफी मारती है और ज्वेलरी को लेकर अपने घर आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ज्वेलरी को देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि ये ज्वेलरी मुझे अपने साथ नहीं लानी चाहिए थी, उसने ये गलत किया है। तभी वो एक नेकलेस के अलावा बाकी सारी ज्वेलरी एक इनवेलप में डालती है और उस इनवेलप पर चोरी लिखकर उसे पुलिस स्टेशन पहुंचा देती है। इसके बाद वो अपनी फीमेल फ्रेंड के पास जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि क्रीम में कमियां और खामियां होने के बावजूद भी ब्यूटी एक्सपर्ट्स उसे लॉन्च करने जा रहे हैं। इसीलिए वो उस लोकेशन पर जाती है दोबारा से जहां पर ये क्रीम बनाई जा रही थी, और इस बार वो मास्क और कैट वुमेन वाले ड्रेस को पहनकर जाती है। और तभी वो फ्लोर पर देखती है कि लॉरेल के साइंटिस्ट की डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई है और ये वही साइंटिस्ट था जिसने इस क्रीम पर काम किया था। और तभी वहां पर एक गार्ड आ जाता है और पेशेंट्स को देखने के बाद वो ये सोचता है कि शायद इस साइंटिस्ट को पेशेंट्स नहीं मारा है, और इसी वजह से वो गार्ड अलार्म को ऑन कर देता है। और तभी वहां पर बाकी गार्ड्स भी आ जाते हैं और वो पेशेंट्स को किलर समझते हैं। तब किसी तरह खुद को बचाते हुए कैट वुमेन यानी पेशेंट्स लॉरेल के पास जाती है, जहां पर वो पेशेंट्स को बताती है कि दूसरा ब्यूटी एक्सपर्ट इस क्रीम में कमियां और खामियां होने के बावजूद भी इसे लॉन्च करना चाह रहा है। इन बातों के दौरान पेशेंट्स को रियलाइज होता है कि लॉरेल भी अब दूसरे ब्यूटी एक्सपर्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि लॉरेल उससे बदला लेना चाहती थी क्योंकि उसकी जगह अब किसी और को एम्बेसडर बना दिया गया। तब वो दोनों प्लान बनाती हैं कि वो किस तरह उसे रंगे हाथ पकड़वाएंगी और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगी। यहाँ पर लॉरेल पेशेंस को एक मोबाइल फोन देती है ताकि वो दोनों डिस्कशन करने के लिए एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर सके। इसके बाद टॉम जब अपनी ड्यूटी पर होता है तब उसकी नजर उसी कॉफी कैन पर पड़ती है जो उसे पेशेंस ने दी थी, जिस पर सॉरी लिखा हुआ था। तभी वो उस ज्वेलरी वाले एनवेलप को भी देखता है जिस पर सॉरी लिखा था, और इसीलिए वो उस वाले सॉरी को कॉफी कैन वाले सॉरी से मैच करता है। और यहाँ पर टॉम को पेशेंस पर शक होने लगता है कि शायद उसी ने ही चोरी की होगी, उसी ने ही ये सॉरी वाला एनवेलप भिजवाया। इसीलिए टॉम उससे मिलने जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं, काफी बातें करते हैं। और रात को जब पेशेंट सो रही होती है तब टॉम एविडेंस कलेक्ट करने के लिए एक गिलास चुरा कर अपने साथ ले जाता है। फिर थोड़ी देर बाद लॉरेल के दिए हुए मोबाइल पर रिंग होने लगती है और वो लॉरेल की कॉल थी जिसे पेशेंट सुनती है। लॉरेल उसे बताती है कि मैंने दूसरे ब्यूटी एक्सपर्ट के खिलाफ एविडेंस इकट्ठे कर लिए हैं और इसी वजह से उसे सजा हो जाएगी। उन एविडेंस को देखने के लिए पेशेंट जल्दी से लॉरेल के पास चली जाती है और इस बार भी वो पूरे कैट वुमेन के गेटअप में आती है, जहां पर लॉरेल उसे कहती है कि तुम्हें उस सोफे के पीछे सारे एविडेंस मिल जाएंगे। इसीलिए पेशेंट्स देखने के लिए जल्दी से सोफे के पीछे जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर तो उस ब्यूटी एक्सपर्ट की डेड बॉडी है और उसकी डेड बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद किसी बिल्ली ने उसे मारा हो। यहाँ पर लॉरेल पेशेंट्स को कहती है कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि उस क्रीम में अभी बहुत सारी कमियां हैं और साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उसे लॉन्च करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि मुझे सिर्फ पैसे से अपनी सक्सेस से मतलब है और किसी से नहीं। और मुझे पता था कि तुमने उस दिन हमारी बातें सुन ली थी और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम क्रीम को लॉन्च कभी भी नहीं होने दोगी, इसीलिए मैं तुम्हें इग्नोर तो नहीं कर सकती थी, तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकती थी। और अब तुम इस ब्यूटी एक्सपर्ट की मौत के इल्जाम में जेल जाओगी। और ये कहते ही लॉरेल अपने घर का अलार्म ऑन कर देती है और तभी वहाँ के सारे गार्ड्स आ जाते हैं और वो कैट वुमेन यानी पेशेंट्स पर गोलियां चलाने लगते हैं। तब पेशेंट्स खुद को बचाने के लिए भाग रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने टॉम आ जाता है और यहाँ पर वो टॉम से फाइट करती है और वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके पास जाती है और मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद टॉम जल्दी से लैब में आ जाता है और वो ग्लास पर बने लिप प्रिंट और अपने फेस पर बने लिप प्रिंट्स को मैच करवाता है और वो देखता है कि दोनों मैच हो गए हैं। और यहाँ पर टॉम को पेशेंट्स के खिलाफ सबूत मिल गए थे, इसीलिए वो पेशेंट्स को अरेस्ट करके ले आता है। और यहाँ पर पेशेंट्स एक्सेप्ट करती है कि हाँ मैं ही कैट वुमेन हूँ और कहती है कि उस साइंटिस्ट और ब्यूटी एक्सपर्ट को मैंने नहीं मारा, लेकिन लिप प्रिंट्स और सॉरी वाली हैंडराइटिंग मैच होने की वजह से टॉम पेशेंस को जेल में बंद कर देता है। उसी रात हम देखते हैं कि पेशेंस जिस सेल में होती है उसमें एक बिल्ली आई है। पेशेंस फौरन उसे पहचान लेती है कि ये तो वही बिल्ली है जिसने मुझे जिंदा किया था,
और वो उस बिल्ली को सेल के रॉड से अंदर आते हुए देखती है। इसीलिए पेशेंट सोचती है कि अगर ये कैट इन रॉड से अंदर आ सकती है तो मैं इन रॉड से बाहर भी जा सकती हूँ। और इसीलिए पेशेंट भी उस कैट की तरह उस सेल के रॉड से बाहर चली जाती है और यहाँ से वो जाती है लॉरेल के पास जो उस क्रीम को लॉन्च करने वाली थी। हालांकि पेशेंट उसे ऐसा करने के लिए मना करती है लेकिन लॉरेल उसकी एक नहीं सुनती और इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है। वहाँ पर टॉम भी होता है जो पेशेंट को पकड़ने आया था और वो उन दोनों की कन्वर्सेशन सुन चुका था। और यहाँ पर टॉम को सारी बात समझ आ जाती है कि असल में पेशेंट गलत नहीं है बल्कि लॉरेल गलत है। तभी लॉरेल और पेशेंट के बीच जबरदस्त फाइट होती है और इस लड़ाई के दौरान लॉरेल बिल्डिंग से गिर जाती है और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और तभी वहाँ पर टॉम भी आ जाता है और वो पेशेंट को कहता है कि दुनिया के लिए लॉरेल को कैट वुमेन ने मारा है और तुम्हारे ऊपर इल्जाम नहीं आएगा क्योंकि पेशेंट तो अभी तक जेल में ही है। पेशेंट टॉम की बात सुनकर सारी बात समझ जाती है और इसीलिए वो दोबारा से अपने सेल में चली जाती है। और सबको यही लग रहा था कि लॉरेल को कैट वुमेन ने मारा था क्योंकि उस रात तो पेशेंट सेल में थी और इसीलिए पेशेंट को बेकसूर साबित करके उसे छोड़ दिया जाता है। और यहीं पर इस मूवी का भी दी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।